तो नमस्कार सर, नमस्कार। और आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है कुणाल गुप्ता, मैं पटियाला शहर से हूँ। सर, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मैं विजली हैंडीकैप हूँ, मतलब आँखों से ना के बराबर ही पता चलता है मुझे। और मेरी बीमारी का नाम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मतलब रेटिना जो पर्दा होता है ना उस पर पिगमेंटेशन हो गई है, धब्बे से बन गए हैं, ड्राइनेस आ रही है, जिसके कारण नसें वीक हो गई हैं जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, उसके कारण दिखना मेरी पीछे से मतलब नज़र ख़त्म हो गई है। तो कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको? ये प्रॉब्लम है मुझे, प्रॉब्लम मतलब नॉर्मल आई साइड वीक तो मेरी 1992 से पहली बार चश्मा लगा था, ये प्रॉब्लम डिस्कवर हुई 2001 में, और जो ब्लाइंडनेस की ये कंडीशन है ये 2004 से है, 2007 से। और यहाँ से आप कब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं सखा जी से? सखा से तो मैं बहुत देर से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत देर से जुड़ा हूँ। ये जो नई ट्रीटमेंट की बात है ये 10-15 दिन ही हुए हैं, ये जो नई ट्रीटमेंट थेरेपी सखा थेरेपी है, ये सखा से तो बहुत देर से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब 2018 से शायद जुड़ा हुआ हूँ मैं, 2018 से यहाँ। और सखा थेरेपी जो दे रहे हैं वो 10-15 दिन से ले रहा हूँ मैं ये। तो आपको कुछ फ़ायदा भी हाँ लग रहा जी, है हाँ जी, हाँ इसमें? बिल्कुल। जो मेरे अंदर एक तरह से मन ना बहुत विचलित रहता था, क्योंकि मेरी आई साइड की कंडीशन है, पहले तो जैसे मुझे दिखता था सारा, और जो बंदा ब्लाइंड ही पैदा हो उसको ये टेंशन नहीं होती, जो बंदा नॉर्मल हो, मैं नॉर्मल ही था ना, मुझे बाय बर्थ नहीं प्रॉब्लम है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है, उसके कारण जो एक तरह से विचलित रहता था मन, या फ्रस्ट्रेशन कह लो बिल्ट रहती थी, वो एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसके कारण क्रोध भी शांत हो गया है, उसके कारण जो फोकस था जो मेरा जीवन के प्रति, मतलब अपना छोटी छोटी चीज़ों पर इरिटेशन फील होना, जो अनमैनेजेबल था कुछ चीज़ें ना मेरे लिए, वो कंट्रोल में आ गई है मेरे, थोड़ा थोड़ा करके ना वो कंट्रोल में आ गई है। और जो मेरा खाना था, फूड हैबिट्स थी, वो भी ठीक हो गई हैं, और मेरा वज़न बड़ा कम हो गया है इससे। पहले मैं 90 के करीब था, अब अंडर 80 हो गया, बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ, उनको ये नहीं कि मैं फ्राइड छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, वो अपने मन से ही अपने आप ही छूट रहा है, ओवर ईटिंग है, वो अपने आप छूट गई। पहले अगर मेरी थाली में फ्राइड चीज़ें पड़ी हो 3-4, वो सारी खा जाऊँगा, अब नहीं खाता मैं, मेरी जो चटनी सॉस वगैरह की आदत थी बहुत खाया करता था, वो सारी छूट गई, अब नहीं, अब मैं समोसा बिना उसके खा लेता हूँ। जी, तो मतलब यहाँ पे आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी डाइट के लिए, यहाँ कुछ कोई नहीं इंस्ट्रक्शन थी, दवाई? कुछ भी नहीं इंस्ट्रक्शन, ना ठंडे पानी की, ना गर्म पानी की, कुछ की भी इंस्ट्रक्शन इन्होंने सखा ने नहीं दी, बस सखा ने जो थेरेपी कराई है वो करता रहा। बहुत अच्छी बात है। ओ तो अब जी बस ये है, आप अभी क्या उम्मीद रख रहे हैं, कब तक आप ठीक हो जाएंगे और कैसा आपको लग रहा है? राइट डायरेक्शन पे जा रही है जो भी है ट्रीटमेंट थेरेपी के ज़रिए, देखो मैं उम्मीद करता हूँ, वो आशा तो यही है जल्दी से जल्दी मिरेकल हो, ये हो तो इसके लिए औरों के लिए भी एवेन्यू खुलेंगे जगत में, और जो लोग इस परेशानी में हैं, मेरा तो चलो 100% है जो है, मतलब रोशनी ही पता चलती है मुझे, रोशनी और अंधेरे का, जिनकी लो विजन है, जिनको 40% विजन है, उनको तो बहुत जल्दी और भी ट्रीटमेंट आसानी से होगी, ठीक है ना, इसलिए मैं तो चलता हूँ, आशा है कि जल्दी से जल्दी ये मतलब हो, ट्रीटमेंट के ज़रिए, मेरी थेरेपी के जरिए ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो, ठीक हूँ मैं, थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ गया मुझे, 20-25% का ही फ़र्क पड़ गया, उसका ही बहुत बड़ी बात होगी, हाँ वो तो 100% हो तो बहुत बड़ी है, 20-25% का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, जिसको कुछ दिखता ही ना हो उसको इतना दिखना लग जाए, बहुत बड़ी बात जी, सच में बहुत बड़ी बात है ये। है इम्प्रूवमेंट, पर वो इम्प्रूवमेंट मेडिकल साइंस में काउंट नहीं होगी, तो मैं उसे बता नहीं सकता शब्दों में ना, जैसे आप चल ही नहीं सकते, हल्का सा पाँव हिलना शुरू हो जाए, एक तरह बंदा कोमा में हो, हल्का सा उसका पैर हिलना शुरू हो जाए, आप उसको ये नहीं ना कहेंगे वो ठीक हो गया, बस वैसे हल्की सी चीज़ है, पर वो उसे आप अलग से नहीं, मतलब वो इम्प्रूवमेंट नहीं काउंट कर सकते, उसे मतलब आप फील कर सकते हैं कि फील आप कर ठीक हो सकता रहे हूँ कि हैं? हाँ मैं सही जगह जा रहा हूँ, ये मैं फील कर सकता हूँ, देखो ये कब तक होगा ये तो नहीं कह सकते, ये तो अस्तित्व के हाथ में है। और इस सखा थेरेपीज़ के दौरान अब एक चेंज ये है कि मुझे जो एनर्जी थी लेवल वो बहुत बढ़ गया है, पहले बहुत मतलब जल्दी डाउन होता था, थकान शरीर टूटता था, अब वो नहीं है, और नींद मेरी बहुत कम थी, आती नींद अब जितनी भी आ रही है ना, मतलब एक दिन में तो 10 घंटे सोया लगातार, एक दिन में 4 घंटे सोया, पर वो क्वालिटी इतनी हाई लेवल की है कि उसके बाद मुझे थकान नहीं फील हो रही जितनी वो नींद के बाद, चाहे वो 10 घंटे की है चाहे 4 घंटे की है। और तीसरी बात
और सबसे ज़रूरी, बचपन से मुझे कॉन्स्टिपेशन है, वो बहुत हद तक ठीक हो गई है, बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो गई है, पूरी तरह कम्प्लीटली तो नहीं गई खैर, पर बहुत हद तक वो ठीक हो गई है, जिसके कारण मुझे मेरे ख्याल से नींद में भी उसका इम्पैक्ट है, वज़न कम करने में सब में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उस कारण, बस यही ऐड करना चाहता था। तो इनका भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जैसा कि आपने सुना, यहाँ डाइट के लिए कुछ भी नहीं बताया जा रहा है कि डाइट में आपको कोई समोसा खाना है समोसा खाइए, फ्राइड खाना है फ्राइड खाइए, तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हो रहा है कोई। और यहाँ सीधा हम पेशेंट से ही बात कर रहे हैं जो यहाँ रह रहे हैं और उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हमने ये देखा है। अभी और भी लोगों से हम बात करेंगे, आपको सुनाएंगे। धन्यवाद।